ये पंजाब से खबर आ रही है जहां पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई है। फिरोजपुर के गुरुहर सहाय विधानसभा क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने पोलिंग बूथ के बाहर गोलियां बरसाकर वहां से वो फरार हो गए। बदमाश ने हवाई फायरिंग की जिससे कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग के पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पोलिंग बूथ के बाहर ये फायरिंग हुई, बाइक सवार दो बदमाश आए, उसके बाद पुलिस ने इनका पीछा भी किया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या पता चला है इन दो हमलावरों के बारे में? रात को 12 बजे पहुंचे, बताओ क्या करना है? देखिए नेहा, दरअसल जिस तरह से ये वारदात हुई है, लग ऐसा रहा है कि एक तो पंजाब में जो पोलिंग प्रतिशत है वो काफ़ी स्लो चल रही है, और ये जो समय था वो तकरीबन 3 बजे का समय था, और इस समय में पोलिंग प्रतिशत बढ़ जाती है। तो कई बार ये एक टैक्टिस होती है कि इस तरह के माहौल में अगर आप अफरा तफरी मचा दो तो वहाँ पर पोलिंग रुक जाती है, यानी कि वो स्पीड और स्लो हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथ के सामने गुरुहर सहाय में ये फायरिंग की गई है, लग ऐसा रहा है कि उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था, अफरा तफरी मचाना था। और पूरे पंजाब की बात करें तो अभी तक कोई भी छिटपुट घटना कहीं पर नहीं हुई है। और गुरुहर सहाय की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के जो है राणा गुरमीत सिंह सोडी हैं, और अकाली दल के जोरा सिंह मान पूर्व सांसद थे, उनके बेटे किक्की मान है। कुल मिलाकर पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है और इन दोनों लोगों की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश के बाद ही इस मामले में कुछ साफ कर पाएगी। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी। अब रुक करेंगे गोवा का, जहां जमकर वोटिंग की जा रही है। शाम 3 बजे तक 67% वोटिंग हो चुकी थी। इस बंपर वोटिंग के बीच हम आपको बता दें कि गोवा में महिला वोटर जमकर हिस्सा ले रही है वोटिंग करने में। पर्जी में एक बूथ पर तो महिला सशक्तिकरण की तस्वीर भी दिखाई दी। वहां पर सभी पोलिंग बूथ पर स्टाफ महिला है, वहां महिलाओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने। ये गोवा का पिंक पोलिंग बूथ है। यहाँ पर दरअसल जो वोटर आते हैं उनको एनकरेजमेंट देने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई पहल शुरू की है कि यहाँ पर आने वालों को एक पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का गुलाब दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आप वोटिंग करने आए हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है, लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, और इसीलिए ये किया जा रहा है। उसकी एक और एक खास बात है, ये जो पोलिंग स्टेशन है ये पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है, और इसीलिए यहाँ की सजावट भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गुलाबी रंग में है, गुलाबी बलून्स लगाए गए हैं। यहाँ का जो बाकी की सजावट है वो भी गुलाबी सजावट यहाँ पर रखी गई है। और सबसे अहम बात अभी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, आप देख सकते हैं कि ये एक पिंक टेडी बेयर है, यानी गुलाबी रंग का टेडी बेयर जो आमतौर पर बच्चों को पसंद आता है वो टेडी बेयर, और वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो हमारे साथ है ये पहली बार वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आई है। स्विजन, आप पहली बार वोट करने यहाँ पर आई है, आपको लग रहा था कि आपको इस तरीके का एक गिफ्ट मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगा था, बट इट वॉज अ सरप्राइज। सो भी अच्छा लग रहा है कि वोट करने के बाद मुझे टेडी बेयर मिला है, सो इट्स लाइक एन एनकरेजमेंट। अगली बार आपको टेडी बेयर नहीं मिलेगा, क्या आप दोबारा वोट करने आएंगे? हाँ, ऑफकोर्स आऊँगी, बट इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। वोट करना तो है ही हर साल, एंड इट्स आर ड्यूटी, सो वी हैव टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द गिफ्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल। आर यू गोइंग टू कीप दिस एज अ सुवेनियर विद यू, एज अ गिफ्ट टू यू? विल इट रिमेन फॉरएवर विद यू? यस, ऑफकोर्स इट विल, एज अ साइन ऑफ माई फर्स्ट वोटिंग। सो इट्स अ साइन ऑफ हर फर्स्ट वोट। उनका पहला ये एक निशानी है उनकी कि पहली बार उन्होंने वोट किया था उसकी निशानी, और ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक नई पहल गोवा में। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ साहिल जोशी, गोवा आज तक।